नागपुर नगर निगम सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, जिला परिषद नागपुर और जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विकलांगता प्रमाण पत्र विशेष शिविर शुरू हो गया है और शिविर को पहली बार अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसका उद्घाटन विधायक मोहन मते ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विपिन इटनकर, जिला परिषद नागपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्य शर्मा, राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के संस्थापक नगर समाज कल्याण विभाग के उपायुक्त डॉक्टर राज गजभिये, राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश वर्दे, शरद कूचेवार, क्षेत्रीय उपायुक्त समाज कल्याण डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़, नगर सामाजिक विकास विभाग अधिकारी रंजना लाड़े, जिला समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर आदि उपस्थित थे। यह कैंप नागपुर नगर निगम के सभी 10 जोन में विकलांगों के प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए 6 दिसंबर तक राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। शिविर के पहले दिन गुरुवार 1 दिसंबर को लक्ष्मीनगर व धर्मपेट जोन के दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया। इसमें पहले दिन 340 विकलांगों ने पंजीकरण कराया और इनमें से 290 ने प्रमाण पत्र के लिए क्वालिफाई किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर। We'll be right back.